हरे हम दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों शिव पार्वती का मूर्ति बनाना सीखेंगे। दोस्तों पार्ट वन में शिव जी को बनाना तो सीख गए हैं दोस्तों, मतलब सिखा चुके हैं। उस वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से एक बार जरूर चेक कीजिएगा इस वीडियो को खत्म होने के बाद। आज की वीडियो में दोस्तों बनाएंगे पार्वती माता को, मतलब बनाना सीखेंगे। तो चलिए पहले तो बेस तो बना चुके हैं और उसके ऊपर में दोस्तों देख सकते हो कुछ इस प्रकार से लंबा सा एक लकड़ी लेंगे और उसी को दोस्तों कुछ इस प्रकार से वहाँ पे गाड़ देंगे। वहाँ पे गाड़ने के बाद दोस्तों मिट्टी का कोयल बना लेंगे। कोयल बना करके दोस्तों दो पैर बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, और उसी के ऊपर में दोस्तों और थोड़ा ज़्यादा मिट्टी लेंगे और उसी को कमर बना करके कुछ इस प्रकार से वहाँ पे पैर के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के लिए दोस्तों वहाँ पे दोस्तों थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा छोटा पड़ गया था, इसलिए जांघों के साइड में थोड़ा मोटा होना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मिट्टी दे करके वहाँ पे मोटा कर लेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों बना देंगे। दोस्तों इतना बना देने के बाद दोस्तों नीचे के साइड में थोड़ा पतला स्लेब बना लेंगे और कुछ इस प्रकार से वहाँ पे नीचे के साइड में चिपका देंगे। वो साड़ी के लिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से नीचे से ऊपर तक, मतलब कमर तक बना देंगे और उसी को स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर बना देंगे पहले, फिर बाद में वहाँ पे फिनिशिंग और जैसे कि फोल्ड हो गया इसी को बना लेंगे टूल की मदद से। अभी तो बस थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर इसी प्रकार से बना देंगे। और एक बात दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों इसी प्रकार स्ट्रक्चर बना देने के बाद अभी दोस्तों पानी की मदद से कुछ इस प्रकार से उंगली की मदद से, या आपके पास ब्रश होगा तो ब्रश की मदद से वहाँ पर फिनिशिंग कर लेंगे। यहाँ पर तो उंगली से हो सकता है, इसलिए मैंने उंगली से ही फिनिशिंग कर दिया है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से देख सकते हो टूल की मदद से फोल्ड को भी बना लेंगे और एक बार वहाँ पे ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से फिनिशिंग कर लेंगे। दोस्तों नीचे के साइड तो बना चुके हैं दोस्तों, अब ऊपर के साइड में चलते हैं। ऊपर में दोस्तों बड़ी का जो कि पार्ट को बनाते जाएंगे, कुछ इस प्रकार से मिट्टी देते जाएंगे और जहाँ जहाँ पे दोस्तों मैं मिट्टी ऐड कर रहा हूँ दोस्तों वहाँ पे इसी प्रकार से बना देंगे कुछ इस प्रकार से, और लंबा कोयल बना लेंगे। और दोस्तों अभी हाथ को भी बना देंगे कुछ इस प्रकार से, दोस्तों देख सकते हो हाथ को भी बना देंगे और वहाँ पे, सॉरी दोस्तों हाथ को बनाना दिखा नहीं पाया क्योंकि दोस्तों कैमरा इधर था और मैं बना रहा था उस साइड, तो इसलिए दिखा नहीं पाया दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार से बना देने के बाद वहाँ पे जॉइंट कर देंगे कुछ इस प्रकार से और बन गया दो हाथ। तो इसी प्रकार से बना देने के बाद ऊपर के साइड में थोड़ा मिट्टी दे करके वहाँ पे, दोस्तों अभी बना रहे हैं पेस को। पेस को बनाने के लिए दोस्तों थोड़ा सा मिट्टी लेंगे और उसको गोल टाइप का शेप देंगे और टूल की मदद से ऊपर के साइड में आँख में थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और ऊपर के साइड में पहले बाल बना लेंगे दोस्तों, बाद में बनाएंगे तो आँख का ये सब खराब हो सकता है, तो इसलिए पहले ही बाल को बना लेंगे स्ट्रक्चर, फिर बाद में थोड़ा बहुत डिटेलिंग कर लेंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों बना देने के बाद गालों पर थोड़ा थोड़ा मिट्टी दे देंगे और थोड़ा बहुत इसी प्रकार से डिटेलिंग करते जाएंगे और आँख कान, मतलब आँख और होठों को बना देंगे। तो इसी प्रकार से वीडियो में बने रहिएगा, मैं मिलता हूँ आप लोग को वीडियो के अंत में।
दोस्तों देख सकते हो अभी पार्वती माता की ज्वेलरी बना रहे हैं। इसी को बना देने के बाद दोस्तों हमारा मूर्ति जो कंप्लीट हो चुकी है, शिव जी का त्रिशूल भी पकड़ा दिए हैं। तो इसी को बना देने के बाद दोस्तों और जितने भी हो चुके हैं वो सब कलर और डेकोरेट करने के समय में, जैसे कि फूल माला हो गया पार्वती माता के हाथ में। तो आई होप कि आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।